Okay, Anand, thank you so much for joining us on the broadcast with those details. Some more news coming in. A bomb blast has occurred outside a club in Gurugram Sector 29, where two country-made bombs were thrown, one of which exploded. The NIA team, along with Gurugram Police, is investigating the incident due to suspected gangster involvement. Meanwhile, a miscreant identified as Sachin, a native of Meerut in Uttar Pradesh, was also arrested from the spot. The accused was nabbed red-handed when he was about to hurl the third bomb at the Human Club in Sector 29 Market. My colleague Gohit Kaushik with us on the broadcast. Gohit, take our viewers through the details, please. में मंगलवार सुबह करीब 5:15 बजे क्लब के बाहर ब्लास्ट हो गया और क्लब को निशाना बनाकर ये जो दो बम हैं क्लब पर फेंके गए। ब्लास्ट क्लब का जो बोर्ड था वो टूट गया और बाहर खड़ी एक स्कूटी जो है वो जल गई थी। और आपको बता दें कि धमाका जो हुआ वो इतना जोरदार था कि दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को नशे की हालत में वहां से गिरफ्तार किया गया है। उससे दो बम बरामद हुए हैं और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीम ने भी जांच के लिए मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस को शक है कि ब्लास्ट के तार जो है वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हो सकते हैं। दरअसल लॉरेंस गैंग ने कुछ दिन पहले साइड वाले क्लब को फिरौती ना देने पर, जिसका नाम जो है वो टॉय बॉक्स है, उसको फिरौती ना देने पर बम से उड़ाने की धमकी दी थी। फिलहाल क्लब के बाहर पुलिस भी तैनात कर दी गई है और आपको बता दें कि इससे पहले हरियाणा के चंडीगढ़ में भी 26 नवंबर को ऐसे ही दो क्लबों के बाहर ब्लास्ट किया गया था। उसमें भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है उसके जो लोग हैं उनके शामिल होने की बात इसमें सामने आई थी और इसी तरीके से अब गुरुग्राम में भी ये धमाका हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बहुत हैरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है कि किस तरीके से जो गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें चूक होती हुई नजर आ रही है। ओके, ऑलराइट गोहित, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। वी लीव इट देयर। मीनवाइल द डेथ टोल इन द ट्रेजिक बेस्ट बस